ओके गाइस, तो यहाँ मैं आपको आज स्पाइसेस पे आप कैसे अपना प्रोफाइल क्रिएट करोगे और कैसे अपना फाइल नंबर जनरेट करोगे या रेफरेंस नंबर जनरेट करोगे उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो आपको सिंपली यहाँ पे स्पाइसेस टाइप करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये इनकी वेबसाइट यहाँ पे खुल जाती है। तो गाइस नेक्स्ट हमें जाना है, पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। कोविड के लिए थोड़ा सा इन्होंने दिया है, तो आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखना है कि किसके लिए आपको ईसीए करवानी है, किस पर्पस के लिए। गाइज आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, मैंने उसमें भी बताया है कि वेस्ट पे जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे भी तीन ऑप्शन ऐसी आती थी कि किस चीज़ के लिए आपको अपना ईसीए करवाना है। तो हमारा ये वाला इमिग्रेशन पर्पस के लिए रहेगा। यहाँ पे है फॉर एप्लीकेंट सीकिंग एन एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, ईसीए रिपोर्ट फॉर इमिग्रेशन पर्पस, एक्सप्रेस एंट्री, परमानेंट रेजिडेंसी, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम और एग्री फूड पायलट। ओके, तो गाइस हमें ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है, थर्ड वाला। 16 वीक प्रोसेसिंग टाइम इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। ओके, फॉर इमिग्रेशन पर्पस के लिए हम लोग ईसीए करवा रहे हैं। अब गाइस इन्होंने यहाँ पे अपना प्रोसेसिंग टाइम के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने कि कितना ये लोग टाइम ले रहे हैं, तो आप लोगों को ये पढ़ लेना है। मिनिमम असेसमेंट रिक्वायरमेंट, तो गाइस इन्होंने बताया है कि क्या रिक्वायरमेंट है कि लाइसेंसिंग बॉडी इज नॉट कवर्ड बाय आईसेस। तो यहाँ पे आपको देखना है मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा, फार्मेसी, आईसेस डज नॉट इवेलुएट ट्रेड क्वालिफिकेशन, ये इवेलुएट नहीं करता है। तो आपको देख लेना है कि इसके अंडर इन्होंने यहाँ पे दे रखा है मिलिट्री ट्रेनिंग और सारा कुछ दे रखा है, तो ये नहीं करता है उसे असेस। ओके, ईसी एप्लीकेशन स्टेप्स, तो इन्होंने सिंपल से 3 स्टेप्स का यहाँ दे रखे हैं। देर आर 3 स्टेप्स टू कम्प्लीटिंग योर ऑनलाइन ईसी एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे दिया है इन्होंने कि रिक्वायरमेंट, तो मैं इसके अंदर जाके आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी आपको खुद ही देखना है अच्छे से। तो फर्स्ट स्टेप है रिक्वायरमेंट। तो डॉक्यूमेंट इन्होंने गाइस यहाँ पे दे रखे हैं कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन, यू मस्ट सप्लाई आईसीएस विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, कलर कॉपी ऑफ करंट गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट दैट इंडिकेट करंट लीगल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। ओके, सबमिट वन ऑफ द फॉलोइंग वैलिड पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड और ड्राइवर्स लाइसेंस। तो गाइज इनका क्या आपको स्कैन कर लेना है कलर्ड फ्रंट एंड बैक साइड से, और ये अपलोड होगा आपके अंदर प्रोफाइल पे। कलर कॉपी ऑफ फ्रंट एंड बैक ऑफ ईच फाइनल अवार्ड, मतलब डिग्री का फ्रंट एंड बैक स्कैन आपको चाहिए गाइज। ओके, पीडीएफ फॉर्म में। और कलर कॉपी ऑफ फ्रंट एंड बैक ऑफ ईच एकेडमिक रिकॉर्ड, मीन्स आपके मार्क्स कार्ड की जो होगी वो भी फ्रंट एंड बैक साइड की पीडीएफ आपने कलर बना लेनी है और स्कैन करके वो भी आपकी अपलोड होगी। रिक्वायर्ड फॉर फॉरन लैंग्वेज डॉक्यूमेंट ऑनली। अब इसमें क्या है गाइज, आपको ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ लगेगा। अगर आपके सर्टिफिकेट्स इंग्लिश में नहीं है तो आपको यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट की ट्रांसलेशन करवानी होगी। आईसीएस विल कॉन्टेक्ट यू डायरेक्टली टू रिक्वेस्ट अ ट्रांसलेशन। प्लीज नोट दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू सबमिट द बैक ऑफ द डॉक्यूमेंट इफ इट इज ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक है आपके सर्टिफिकेट की बैक साइड, तो ये डिपॉजिट करना जरूरी नहीं है। ओके, तो आप उसका फ्रंट साइड स्कैन करोगे। गाइज ये कंट्री वाइज इन्होंने कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कंट्री वाइज इन्होंने कुछ बताया होगा सबके लिए, तो आपको अपनी चूज करके देखनी है कि हमारी कंट्री के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की इन्होंने यहाँ पे डिटेल दे रखी होती है कि इससे हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि स्टैंडर्ड फॉर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, बस इन्होंने यही बताया कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सच एज डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, मार्क्स कार्ड, इस तरह से सब कुछ। ठीक है, तो ये आपको वैसे अपने एंड से अच्छे से पढ़ लेना है। हाउ टू सबमिट, कैसे आपको सबमिट करने हैं, तो इन्होंने ये भी बताया कि बाय सेंडिंग देम डायरेक्टली टू आईसीएस फ्रॉम योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल अथॉरिटी, भी इनको डायरेक्ट अपने एंड से अपनी यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी से ये आपके डॉक्यूमेंट स्कैन डॉक्यूमेंट, मीन्स ये जो आजकल चला है इलेक्ट्रॉनिकली आपके डॉक्यूमेंट आपके यूनिवर्सिटी भेज सकते हैं इनको डायरेक्टली। ठीक है, आईसीएस ओनली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू बी सेंट बाई ई मेल और मेल, नॉट बोथ। तो या तो आप इनको ई मेल करो या फिर मेल, दोनों एंड से इनको नहीं चाहिए, या तो हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। ओके, दोनों में से एक ऑप्शन आपको चूज करनी है। बाय मेल अगर आपको भेजना है तो ये एड्रेस रहेगा इनका, और अगर आपको बाय ईमेल भेजना है तो गाइज इनकी ये ईमेल आईडी है, ये आप अपने कॉलेज सॉरी अपनी यूनिवर्सिटी को दे सकते हो, तो आपकी यूनिवर्सिटी इनको डायरेक्टली दे सकती है पीडीएफ। सेकेंड है सर्विस फीस। अब ये यहाँ पे इन्होंने सर्विस फीस सेकेंड स्टेप में बताई है। ओके गाइज, तो यहाँ सेकेंड स्टेप पे इन्होंने अपनी फीस के बारे में थोड़ा बताया है कि ये कितनी फीस चार्ज करते हैं। तो देखते हैं कि स्टैंडर्ड सर्विस फीस इनकी कितनी है। तो गाइज ये क्या करते हैं, जब आप अपने प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते हैं तो डिपेंड करता है कि आप अपने कितने डॉक्यूमेंट वहाँ भेज रहे हो, मतलब कि मास्टर बैचलर्स बोथ भेज रहे हो, तो गाइज ये $400 लेंगे। लेकिन अगर आपका एक ही कोई
मास्टर्स ही जा रहा है या बैचलर्स ही जा रहा है तो ये ओनली $200 लेंगे. ओके बाकी आपकी चॉइस है गाइस, अगर आपको अपनी बैचलर्स भी करवानी है तो ये आपसे 400 लेंगे दोनों के लिए. ओके मतलब अलग अलग चार्जेस ये लेंगे. उसके बाद है कि किसी को अपनी पुरानी एप्लीकेशन मीन्स अपनी पुरानी ईसीए रिपोर्ट अपडेट करवानी है तो $150 चार्ज करते हैं. ये ओल्ड एप्लीकेंट्स के लिए, लेकिन मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि फ्रेश एप्लीकेंट को कैसे अप्लाई करना है. ओके तो एडिशनल कॉपीज ऑफ ईसीए, तो अगर आपको एडिशनल कॉपी चाहिए ईसीए की रिपोर्ट की तो गाइज ये $20 चार्ज करते हैं. ओके उसके बाद है कोरियर डिलीवरी. तो यहाँ पे हमें चूज़ करना है कि किसके थ्रू हमें कोरियर डिलीवरी हमारी किस मेल के थ्रू चाहिए. जैसे कि अगर आप मैंने चूज़ किया था रेगुलर मेल सर्विस तो ये फ्री है गाइज, जिनकी रिपोर्ट मेरे पास आएगी फाइनल रिपोर्ट वो गाइज मुझे फ्री आएगी अगर आप ये वाली ऑप्शन अंदर चूज करते हो जब हम एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे. लेकिन ये नॉन ट्रैकेबल है, ये ट्रैक नहीं कर पाएंगे हम लोग कि ये कहाँ पहुँची है. ओके लेकिन अगर आप ये वाली सर्विस चूज करते हो, जैसे कि सपोज आप कनाडा के अंदर ही और वहाँ से इसे करवा रहे हो तो आपका $26 कैनेडियन लगेगा. और अगर आप यूएस और इंटरनेशनल कोरियर जैसे कि हम लोग सारे तो $75 कैनेडियन आपके एक्स्ट्रा लगेंगे. इसमें ये ट्रैकेबल होगा, आप ट्रैक कर सकते हो. मैं तो सजेस्ट करूंगी रेगुलर मेल के थ्रू, ट्रैकिंग की कोई जरूरत नहीं है गाइज. रिस्ट्रिक्शंस टू कोरियर ये आपको पढ़ लेना है कि इन्होंने कोरियर सर्विस में क्या रिस्ट्रिक्शन दिया है. ओके नॉन सफिशिएंट फंड्स, ये गाइस कहते हैं कि इफ आईसीएस रिसीव द चेक दैट डज नॉट कैश ड्यू टू नॉन सफिशिएंट फंड्स, पर इनका ये है कि गाइस अगर आपकी फीस पूरी नहीं है तो ये आपका ईसीए नहीं करेंगे जब तक कि फुल पेमेंट इनको नहीं होगी. ओके उसके बाद ये ढंग से आपने पेज पढ़ लेना है कि आवर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड ओनली. तो गाइस जो इनकी पेमेंट होगी वो ओनली क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये एक्सेप्ट करते हैं. ओके कैंसिलेशन एंड रिफंड्स, गाइस ये रिफंड्स नहीं देते. अब हमारा आ गया है अप्लाई ऑनलाइन. अब यहाँ पे हम अप्लाई ऑनलाइन करेंगे गाइस. ये हमारा थर्ड स्टेप है जिसमें इन्होंने दिया है ऑप्शन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए. ओके तो ये अब आपको देखना है. प्लीज नोट ईच एप्लीकेंट मस्ट अप्लाई इंडिविजुअली यूजिंग अ यूनिक ईमेल एड्रेस. यू कैन नॉट अप्लाई एज अ फैमिली और कपल. ओके तो सबके लिए अलग से ईमेल आईडी होगी. ऐसा नहीं है कि कपल है फैमिली है तो एक ही ईमेल आईडी आपका सबका चलेगा. ओके गो थ्रू अ सिंपल चेकलिस्ट टू मेक श्योर यू आर रेडी टू अप्लाई. तो गाइज आपको ये सारा कुछ पढ़ना है. कलर कॉपीज वगैरह इन्होंने बताया कि पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए, 5 MB मैक्सिमम उसका साइज होना चाहिए. ओके तो अगेन इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया कि कलर स्कैन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कलर स्कैन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड, ओके कलर स्कैन ऑफ डिग्रीज, ट्रांसलेशन इफ नीड आपके दूसरे लैंग्वेज में है डिग्री या आपका जो है मार्क्स कार्ड, तो गाइज आपको ट्रांसलेशन यहाँ जरूरी है. ओके तो गाइज आप यहाँ पे इन्होंने दिया है प्रोसेसिंग टाइम एंड स्टेटस. ये इन्होंने पूरा डिटेल दिया है कि हमारा टाइम एंड स्टेटस किस बेस पे डिपेंड करता है. और फाइनल डिलीवरी ऑफ योर ईसी रिपोर्ट, तो गाइज मुझे ये पता है कि ये 2 रिपोर्ट्स देते हैं, हार्ड कॉपीज हमारे पास आती है और ये लोग क्या करते हैं हमें डिजिटली हमें नहीं देते हैं गाइज. जैसे इन्होंने यहाँ लिखा वी डू नॉट प्रोवाइड डिजिटल कॉपीज, तो ये डिजिटल कॉपीज नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज की वजह से. तो ये क्या करते हैं जो मेल आएगी वो उसी से हमारा रिपोर्ट आएगा हमारे पास, बाकी ये ऐसे आपको मेल के थ्रू नहीं शेयर करते. ओके अब यहाँ से गाइज इन्होंने देखा है अप्लाई ऑनलाइन रेडी टू स्टार्ट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन. प्लीज नोट द ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड. Our application portal is open Monday to Friday and will not be available on weekends from Saturday 12 AM PST time pe to Monday 12 AM PST time pe. Okay, so SS reopens each Monday to 12 AM Pacific Standard time pe. Okay, so ye guys ye baat bhi hai. Maine ek baar Saturday try kiya tha ki yahan pe main apna profile create karu, lekin nahi ho paya tha. To inhone ye message maine padha nahi tha, to aapko main bata dun ki ye log Friday to ये इन्होंने सॉरी ये देखा है कि सैटरडे टू मंडे इतने बजे तक हमारा पोर्टल बंद रहता है और गाइज मैंने ट्राई किया था तो ये बंद आ रहा था, हम अप्लाई नहीं कर पा रहे थे. ओके तो आपको वीकेंड्स पे ट्राई नहीं करना है. तो यहाँ से गाइज अब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे. ओके गाइज तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि साइन इन और पासवर्ड. ये गाइज ओल्ड एप्लीकेंट के लिए, जैसे कि अब हम लोग हैं हम यहाँ पे अपना मेल और पासवर्ड डाल के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन का. ओके आप अगर फ्रेशर हो तो गाइज आपको क्रिएट योर आईएसएस आईडी यहाँ पे क्रिएट करना है. ओके अब जैसे
ये कंपलसरी चीजें ये डालनी जरूरी है। इसके आगे स्टार लगा है, मीन्स ये कंपलसरी है, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। लास्ट नेम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था वैसे वाली में कि अगर लास्ट नेम आपका नहीं है तो आप गाइस डॉट एंटर कर सकते हो, पर इसे आप खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि फिर एप्लीकेशन आगे मूव नहीं करेगी। ओके तो यहाँ पे हम सिंपली डॉट पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है डू नॉट क्रिएट मल्टीपल अकाउंट विद डिफरेंट ईमेल एड्रेस, मल्टीपल अकाउंट विद द सेम अकाउंट इन्फॉर्मेशन विल जनरेट एन एरर मैसेज एंड डिले योर एप्लीकेशन, इफ यू हैव प्रॉब्लम्स विद योर अकाउंट प्लीज ईमेल अस इमीडिएटली। ओके तो ये आपको मल्टीपल टाइम ऐसे नहीं करना है कि आप कुछ भी कर रहे हो कि पहले एक बार ऐसे ही ट्रायल कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। ओके तो आपको यहाँ पे करना है कंटिन्यू। ये गाइज आपको देख लेना है कि सारी स्पेलिंग्स और मेल आपकी ओके होनी चाहिए क्योंकि इसी के थ्रू अब हमारा चलने वाला है आगे। ओके यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू। तो लास्ट नेम वाले फील्ड में ये अगर मैं डॉट डाल रही थी तो ये डिनाई कर रहा था, लेकिन अभी ये जब मैंने वहाँ पे हाइफन डाला तो इसने उसको ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ओके तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि इसके बाद आपको मेल आएगी, आगे का जो प्रोसेस होगा आपकी मेल यहाँ से होगा। ठीक है तो ये कह रहे हैं कि समवन यूजिंग दिस ईमेल एड्रेस हैज क्रिएटेड एन अकाउंट विद द इंटरनेशनल क्रेडेंशियल, इफ़ यू हैव मेड दिस रिक्वेस्ट प्लीज क्लिक हियर। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है जिससे आपका वहाँ पे नया फ्रेश पेज खुल जाएगा। ओके अब इन्होंने हमारी ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर दिया है, अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो आपको वहाँ पे हाइफन डालना है गाइस लास्ट नेम पे, अगर आपका नहीं है डॉट की जगह हाइफन पुट करना है। ओके और उनको मेल भी करनी है कि मुझे लास्ट नेम में ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मेरे सर्टिफिकेट पे लास्ट नेम नहीं है, तो उनको रिक्वेस्ट करनी है, मेल उनको जरूर डालना है। ठीक है वो रिवर्ट करते हैं गाइस इट्स ओके। तो जो आपका ईसी आउटकम आएगा वो ओनली सिंगल नेम के साथ आएगा। अब गाइस यहाँ पे हमें अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। योर पासवर्ड मस्ट बी बिटवीन 8 to 20 कैरेक्टर, मस्ट कंटेन अ मिनिमम ऑफ वन अपर केस होना चाहिए गाइस, वन लोअर केस एंड नंबर वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्पेशल करेक्टर यूज़ नहीं करना, आप कुछ भी यहाँ कर लो। ओके तो तो मैंने यहाँ कुछ भी ले लिया है क्रिएट पासवर्ड, पासवर्ड हो गया क्रिएट। अब आपको साइन इन नाउ पे करना है। ओके गाइस मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये पेज अगेन खुल गया है, तो आपको अब यहाँ से अपना स्टार्ट करना है फॉर्म फिल करना। ओके तो आपको साइन इन करना है। ओके ओके गाइस अब यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है, तो यहाँ पे आपका नाम इस तरह से आ रहा है जैसे कि हाइफन आ रहा है ना साथ में, तो इसके लिए आपको मेल जरूर करनी है कि मुझे लास्ट नेम ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है अब इन्होंने यहाँ दिया है कि कंप्लीट योर प्रोफाइल नाउ। अब गाइस हम यहाँ पे फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे। आर योर प्रीवियस क्लाइंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रेडेंशियल वैल्यूएशन सर्विस आईसेस, तो गाइज हम तो नहीं हैं तो हम यहाँ करेंगे नो। ओके नो कंटिन्यू। तो गाइज यहाँ पे आपको लीगल नेम जो डॉक्यूमेंट पे है आपके वो डालना है, मिडल नेम नहीं है तो छोड़ दो, हाइफन इन्होंने ऑटोमेटिक उठा लिया गाइज। तो प्रेफर्ड फर्स्ट नेम में हम डालेंगे जो हमारा प्रिंट ओके आएगा। ओके नो आपको ढंग से करना है, बहुत किसी जल्दबाजी में नहीं फॉर्म फिल करना है। एक सिंपल सा अगर स्पेलिंग एक अल्फाबेट गलत हो गया तो फिर दोबारा से आपको उसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया तो करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ आप लेके चलो, कुछ भी रेंडमली उठा लो। तो ओके गाइस तो यहाँ पे आ गया है जो मैंने पुट की थी 6 month 30 June 1988। तो हम करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू। तो यहाँ पे करेंगे हम मेल एंड कंटिन्यू। बहुत अच्छे से गाइस आपको फॉर्म फिल करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है प्रोसेस। तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ भी एड्रेस आप अभी डाल दो यहाँ पे।
कंट्री ऑफ सिटीजन, तो गाइज यहाँ पे आपको इंडिया पुट करना है जहाँ के हम सिटीजन है। कनाडा में हमारा कुछ भी नहीं है, तो नो स्टेटस इन कनाडा करेंगे। ओके, कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पे मैं इंडिया करने वाली हूँ। तो गाइस ढंग से भरना है ये फॉर्म। ओके, नो, कंटिन्यू। होम एरिया कोड, अब जैसे इंडिया का $91 सीधा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कॉन्टेक्ट नंबर आपको कुछ भी डालना है, ठीक, सॉरी कॉन्टेक्ट नंबर आप डाल लो, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं कंटिन्यू। ओके, अब देखो ये 6 में से 6 स्टेप। पर्सनल इंफॉर्मेशन, आई ऑथराइज आईसीएस टू रिलीज माई पर्सनल इंफॉर्मेशन टू द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन आई स्पेसिफाइड। तो हमने किसी को नहीं इन्फॉर्म करना है अपनी आईसीएस के लिए, तो हम सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इन्होंने गाइज यहाँ पे दिया है कि आपने ये डाला है, तो जैसे हिमांशु के आगे मैंने हाइफन लगाया था, इसके लिए आपको मेल कर देनी है। ओके, ये यहाँ पे आपको अगेन एक बार चेक कर लेना है, इस तरह से आपका आप एडिट भी कर सकते हो अभी। ओके, यहाँ पे डन, योर आईसीएस बीसीआईटी क्लाइंट नंबर इज ये। ओके, ये सक्सेसफुली जनरेट हो गया गाइस। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो गाइज हमें यहाँ पे क्लिक करना है रिक्वेस्ट एंड ईसीएफ फॉर इमिग्रेशन एक्सप्रेस एंट्री और पीआर, ठीक है। अब आपको देखना है कि चूज अ सर्विस, रेगुलर एवेल्युएशन सर्विस, तो 200 पर क्रेडेंशियल ये लेंगे। ओके, अभी गाइज यहाँ पे सपोज मास्टर ऑफ साइंस, ओके कर लो आप। ओके, अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन, ओके यही कर लेते हैं। सिटी आपको बतानी है, इसकी सिटी। ओके, तो गाइज आपको ये यहाँ पे बताना है, और सिटी हमें इसकी यहाँ पे डालनी है जो हमारा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जहाँ की है। ओके, तो हमने ये डाल दिया। प्रोविंस इसका हरियाणा पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे आपको अपना डालना है, ये हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो जहाँ का है आपको वहाँ का डालना है। चूज कंट्री, अगेन आपको यहाँ कंट्री अपनी चूज करनी है। ओके, अब यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट पे नाम होगा, अब यहाँ पे आपको स्टार्टिंग डेट और मंथ और ईयर में बतानी है, जैसे कि स्टार्टिंग अब सबका मंथ कौन सा। यहाँ पे ऐसे ही अपने आइडिया से डालेंगे कि सपोज करो 5th मंथ में हमारा स्टार्टिंग मंथ था, और ईयर हम ले लेते हैं गाइस अपनी मर्जी से ले लो आप। ओके, 11 से कर लेते हैं, और इसका जो फिनिश्ड मंथ एंड ईयर ये आपको अपनी डीएमसी पे चेक कर लेना है गाइस। ओके, जो आपका मार्क्स कार्ड है उस पर आपको देख लेना है मोस्टली। ये अगर आप 7th मंथ ले लो इसका, और 12 1 ईयर का इसको ले लेते हैं प्रोग्राम को, तो ये आपको अपने आईडी से नहीं भरना है, ये आपकी जो डीएमसी पे है वो करना है आपको। हाँ, जो आपकी स्टार्टिंग वाली है, स्टार्टेड मंथ ही आपको आईडी से ज्यूम करना है, और जो ईयर जब आपने क्लासेस लगानी शुरू की थी, और ये फिनिशिंग आपको देखना है आपके डीएमसी पे। डिड यू कंप्लीट द क्रेडेंशियल एंड रिसीव द फाइनल अवार्ड? यस, तो ये कह रहा है कि जैसे हमने ऊपर एमएससी डाला है ना गाइज अभी, तो ये कह रहा है कि आपको जैसे अपनी बैचलर्स करवानी है, तो आपको यहाँ से अगेन ऐड करना पड़ेगा, तो आपका बोथ मतलब 400 चार्जेस लगेंगे। तो अभी ये वो वाला कह रहा है कि आपको जैसे आपने मास्टर ऐड किया है, वैसे अपनी बीए भी करवानी है, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। हमें नहीं करना, हमें एक ही उस पर करना है, तो हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। अब हमें यहाँ पे अटैच करने के लिए कह रहा है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। ओके, अब मैंने जैसे पहले यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, अब जैसे मैंने आइडेंटिफिकेशन टाइप यहाँ पे चूज किया है इनमें से, क्योंकि मैं सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी लगाने वाली हूँ, तो मुझे यहाँ से फाइल चूज करनी है, ब्राउज करनी है, जहाँ मेरे लैपटॉप के अंदर पड़ी है वहाँ से मैं सिलेक्ट करके इस पर अपलोड कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्या करना है मुझे, अगेन यहाँ पे आना है और अपलोड कर देना है उस फाइल को जो मैंने अटैच की है।
कार्ड अंदर से अपना अटैच करके आई हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ अपलोड फाइल पे करना है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आइडेंटिटी कार्ड अपलोड, ठीक है। फिर सेकंड मुझे क्या करना है, फिर से यही ऑप्शन पे जाना है, जैसे मुझे नेक्स्ट करना है सर्टिफिकेट, तो मैं सर्टिफिकेट पे करूँगी, यहाँ पे चूज करूँगी, और जहाँ पे मैंने अपना पीडीएफ स्कैन रखा है, जैसे कि पहले मैं अपना मास्टर्स का लगाऊंगी या बैचलर्स का पहले लगाऊंगी, वो देख लेना है, अगर आप दोनों कर रहे हो तो यहाँ पे फिर से चूज करना है, जहाँ पे भी लैपटॉप में पड़ा है उसको यहाँ पे अटैच करके और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फिर से कि ठीक है, आपका बैचलर भी अपलोड हो गया। अब मास्टर्स पे आएंगे, फिर से हम सर्टिफिकेट वाले टाइप पे जाएंगे, सर्टिफिकेट कर देंगे, और यहाँ पे फिर से चूज करनी है कहाँ पे हमने वो रखा है, और यहाँ अपलोड। अब जैसे इसको ट्रांसलेशन कराना है, तो ट्रांसलेशन पर जाके जहाँ पे आपने ट्रांसलेट का अपना स्कैन रखा है, वहाँ पे जाके उसका पीडीएफ फाइल पे उसको ओके कर देना है, और यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी, ओके। तो उसके बाद क्या करना है गाइज, अभी इन्होंने अभी मुझे कहा है यू डू नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड येट, तो उसके बाद गाइज हमें यहाँ कंटिन्यू करना है, लेकिन अभी शायद मेरा नहीं करेगा क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किए, ओके। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करने है गाइज, उसके बाद सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको, डॉक्यूमेंट वगैरह आपको ऐसे देखते जाना है, आगे कुछ भी नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएंगे तो ये आपको पेमेंट के लिए बोलेंगे गाइज, आपको अपने क्रेडिट कार्ड सामने रखना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम ओनली क्रेडिट कार्ड से ही एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट, तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड रखना है, और जो आपकी फीस होगी वो कैलकुलेट होकर लास्ट में ये बता देंगे कि अगर आपकी मास्टर्स ही एक ही डॉक्यूमेंट है, चाहे बैचलर्स चाहे मास्टर्स, अगर आप एक ही भेजो तो ये $200 लेंगे वहाँ पे, अगर आपने दोनों यहाँ पे सिलेक्ट किया है कि मैंने दोनों का करवाना है तो गाइज ये 400 लेंगे, क्योंकि जो ये कोरियर भेजते हैं रेगुलर मेल से वो फ्री होता है, वो आपके पास कोरियर से फ्री आएगा, ओके। अगर आप दूसरे ट्रैकिंग वाला करते हो जिसमें आप ट्रैक कर सकते हो अपने, उसको तो $75 उसके चार्जेस अलग से होंगे, ओके। तो सिंपल सा ये है, आपका यहाँ फाइल नंबर जनरेट हो गया है, आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कि कैसे आप आईसीएस पे अपना प्रोफाइल जनरेट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।